अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज का ईद उल अदा का टाइम हो चुका है, ईद की नमाज़ का टाइम हो चुका है। छः बज रहे हैं और आपको उर्दू वाला खुतबा जो है वो मस्जिद में चल रहा है। मैं तैयार हो चुका हूँ, इस साल मैं सोचता था राहिद को भी नमाज़ पढ़ने लेके जाऊँगा, लेकिन मैंने सोचा नहीं यार, अभी बहुत छोटा है, नेक्स्ट ईयर से इंशाल्लाह इसको भी मस्जिद में लेके जाएंगे। ईद की नमाज़ से इसका स्टार्ट करेंगे, मस्जिद में ले जाना, नमाज़ पढ़ाना। फ़िलहाल यहाँ पर मैं आया हूँ क्योंकि 6 बज रहे हैं और कुछ घंटे हैं बस, ये अल्लाह की राह में जो है कुर्बान हो जाएंगे और अल्लाह पाक हमारी कुर्बानी को कबूल फरमाए। उनको ढाकना होता है, ये आके ना शेक डाल देता हूँ मैं रोज़ाना सुबह, ताकि धूप ना पड़े, और पानी इनको डाल देते हैं क्योंकि पानी भी उनमें कम पिलाया है। खैर, लेकिन अभी मैं नमाज से फारिग होकर इंशाल्लाह कब्रिस्तान जाऊँगा और फिर कसाई आ जाएगा। तो आज का जो दिन है वो पूरा ब्लॉग जो है कवर करना है, पूरा दिन कवर करना है इस ब्लॉग में, सुबह से लेके इंशाल्लाह रात तक। तो साथ रहिए। ओके गाइस, अब हम इन लोगों को खाना खिला रहे हैं क्योंकि कसाई जो है वो आने वाला है। राहिद रख दो, राहिद रख दो, अभी वो पी लेगा पानी। कसाई बस ना आने वाला है। अरे यार, तुम लोग दोनों लड़ लोगे, बेटा उधर खाओ, अपना खाओ। राहिद आप इधर आ जाइए, हाँ आप अपना खा लो। ये लोग दोनों ना खाने के ऊपर लड़ जाते हैं। राहिद रख दो, रख दो, वो मेमे वाटर है, रख दो, रुक जाओ अभी पी लेंगी वो, छोड़ दो आप छोड़ दो, ठीक है। राहिद को नहीं भेज रहे हम, कट्टी क्या मम्मा कट्टी बाबा जा रहे थे। राहिद, राहिद क्या देख रहे हो? मैं हाँ, मुझे पता रेड में हो गई मैं इसको जब भी छुपा रही थी कि ये नहीं देखे, लेकिन ये घुसे जा रहा था वहीं पे, समझ ही नहीं रहा था। फिर थोड़े पहली वाले तो उसने देख ली, पहले वाले में हाँ इससे आसान भी हुई थी। यही असल कुर्बानी है वैसे, जो हमें सिखाती है सैक्रिफाइस करना। अभी तो बहुत महीने है, वरना मैं मान चला जाएगा। हाँ, वेर इज योर मेमे? मेमेस कट, मेमेस कट। हमारा गाइस, मैं तैयार हो गई हूँ और यहाँ पे देखें इनकी तैयारी खत्म हो गई है। खत्म। मैं हम लोग पिक्चर्स वगैरह ले रहे थे, अली अभी ऊपर चले गए, राहिद भी भाग गया है,
पिक्चर वगैरह हो गई है, भूल ही गई। अच्छा आज हमारा जो प्लान था वो बकरीद का वो फ्लॉप हो गया एक तरह से। वैसे भी हिम्मत नहीं हो रही, मैं तो बहुत थक गई हूँ। आज इनकी पप्पो को आना था लेकिन पप्पो नहीं आ रही है। फोर्थ आएंगी तो ईद खत्म हो चुकी होगी तो ये लोग कल चले जाएंगी और कल मैं भी अपनी मामा के घर जाऊंगी, तो कल सेकंड डे का आप लोग ब्लॉग देखेंगे। लेकिन आज का जो दिन है ना वो इस वजह से ही बोरिंग हो गया क्योंकि दावत होते होते नहीं हुई। उन्होंने भी बोला कि वो बहुत थक गए इसलिए नहीं आए। भी आ गए। हेलो राहिर की तैयारी देख लो भाई, राहिर की शूज टूट गए